राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ अन्य दलों के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। अगर बात की जाए तो हरियाणा की जननायक जनता पार्टी ने प्रदेश में इस बार 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। जेजेपी के नेता और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, साथ ही पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील भी कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने सीकर जिले की दातारामगढ़ विधानसभा सीट पर प्रचार किया है, साथ ही पार्टी उम्मीदवार रीटा सिंह के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान A1 टीवी से खास बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने इस विधानसभा चुनाव में 19 उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार पार्टी शिक्षा, रोजगार, पानी जैसे मुख्य मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में 14 से 15 सीटों पर जीत हासिल करेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला राजस्थान के अंदर अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं और दातारामगढ़ से उनकी पार्टी की जो उम्मीदवार है रीटा सिंह उनके समर्थन में आया जनसंपर्क। दुष्यंत जी बताएं, राजस्थान के अंदर जेजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, इस बार चुनाव में किस तरीके से देखते हैं इस बार चुनाव को? 19 उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी के 13 जिलों के अंदर है और मैं ये मानता हूँ कि सभी के सभी मजबूती के साथ चुनाव लड़ भी रहे और राजस्थान के परिवर्तन में अपनी हिस्सेदारी लोग देने का काम। सर बताएं, जिस तरीके से पार्टी के कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के भी जाएंगे कि राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक हो, राजस्थान के अंदर थानों के अंदर पर्चा कराने के लिए भी विधायक की सिफारिश करानी पड़े, ऐसा माहौल जो बनाया है, जनता बदलाव चाहती है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि राजस्थान को तरक्की प्रगति के पथ पर चलाने के लिए लोगों ने जननायक जनता पार्टी को अपना। हरियाणा में पार्टी को 10 सीटों पर विजय मिली, राजस्थान में कितनी सीटों पर आप मानता हूँ 19 हमारे उम्मीदवार हैं, हम 14 से 15 ऐसी सीट है जिन पर मजबूत कंटेस्ट में है और अच्छे बात। क्या मुख्य मुद्दे हैं जिस पर पार्टी काम करेगी? देखिए, राजस्थान के अंदर सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत कैसे किया जाए, गाँव को कैसे बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल लाइब्रेरी जैसी सुविधाएँ गाँव तक पहुँचाई जाए, प्लस किसान के लिए जो हमने हरियाणा में कदम उठाए MSP पे फसल खरीदने के, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ बनाई जाए जिससे मार्केटिंग बोर्ड डेवलप हो और मार्केट हमारी डेवलप हो, किसान की फसल का उचित दाम हो। रोजगार बड़ा मुद्दा है राजस्थान के अंदर, जिस तरीके से आपने हरियाणा में काम किया कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए क्या? बिल्कुल, 75% कानून जो हमारा हरियाणा में वादा था और पहले कदम पे हमने पूरा किया, उसको नियुक्त राजस्थान में भी इंप्लीमेंट करेंगे। राजस्थान की प्रत्येक प्राइवेट सरकारी नौकरी में 75% हिस्सेदारी राजस्थान की। ये तो हमारे साथ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर पार्टी ने जो है हरियाणा में काम किया, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर उनको अगर प्रत्याशी विजयी होकर आएंगे तो और जो मुख्य मुद्दे हैं उनको लेके बात करेंगे और राजस्थान के अंदर जो है जेजेपी पार्टी ने जो भी उम्मीदवार उतारे हैं उन्हें उम्मीद है कि यहाँ पर करीबन 14 से अधिक सीटों पर जो है पार्टी विजय हासिल करेगी और जनता के मुद्दों पर काम करेगी। कैमरा पर्सन राम निवास गुजर के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज़, दादा।